मैंने तय किया, वो आपने देखा, बताने की जरूरत नहीं है। मुझसे लोगों ने कहा कि आपकी कविताओं के जो संग्रह के शीर्षक बड़े अजीब अजीब होते हैं, विस्तृत न होना क्यों लिखा? तो इसका कारण था कि मैं बिल्कुल, आपने देखा होगा एक फोटो में, मैं 14 साल का लड़का बिल्कुल साइलेंट सा, सीधा साधा सा दिख रहा हूँ। और जब मैंने कविता संग्रह लिखा, मुझे बहुत लोगों ने कहा, हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने कैसे लिखा। मैंने कहा इसीलिए तो विस्तृत न होना लिखा था। और इंद्रावती और बेतवा की जब कथा मैंने देखी तो नदी के लिए सोचो लिखा। बस्तर में एक पायली चिरौंजी के बदले एक पायली नमक लिया जाता था तो इतना ही नमक लिखा। और जब बहुत सारी उम्र की पगडंडी पर चलते चलते, मैं आपको कविताओं में यात्राओं में बताऊंगा कि कैसे कविताओं में हमारी जिंदगी की चीज़ें आई, आप कटोलिए उनको। तब मैंने हिज्जे सुधारता एक चांद लिखा कि जब चांद पूर्णमासी में आता है तो सारे तारे धीरे धीरे गायब होते हैं, ये उसके हिज्जे सुधारने की प्रक्रिया हो सकती है। फिर मुझे लोगों ने कहा कि साहब ये शब्दों से कभी शीर सकते हो। राम कुमार तिवारी जी और सुशांत जी के साथ हमने बड़ा विचार मंथन किया, एक कविता पता नहीं कहाँ से प्रस्फुटित हो गई। आखिरी आखिरी शीर्षक संग्रह छपने जा रहा था तो मैंने पूछा उससे, लोगों ने क्यों ऐसा किया आपने? मैंने कहा आपने कभी माँ और उसके छोटे से बच्चे के बीच जब हम कुछ नहीं बोलते आंखों आंखों का संवाद देखा है? देखा ऐसा नहीं, देखा की बात कर रहा हूँ। माँ कुछ कहती है आंखों से, बच्चा समझ लेता है, माँ मुस्कुराती बच्चा मुस्कुरा देता है। मेरे ख्याल से शब्दों से ज्यादा, शब्दों से पहले कितना कह दिया गया, कितना ले लिया गया, सब हिसाब। जब पांचवें संग्रह में बात आ रही है तो शब्द तो बहुत हो गए, अभिव्यक्ति बहुत हो गई, शब्दों के जाल में हम उलझ नहीं है, शब्दों से परे चले, जरा बहुत आगे की बात करें। तो ये जो कविता की यात्रा है बहुत आगे की बात है। मेरा जन्म कहते हैं, यहाँ बताया गया कि बस्तर में हुआ है,